सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है, 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है, टॉपिक है एनवायरनमेंट पर्यावरण। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देंगे। टॉपिक है बच्चों हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एटसेट्रा। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वाटर कैन ऑकर इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी जो है बच्चों तीन अवस्था में हो सकता है, या तो सॉलिड फॉर्म में होगा आइस के रूप में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर गैस फॉर्म में होगा, वेपर्स जो आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब वेयर एंड व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर, राइट अबाउट इट। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है इसके बारे में लिखना है। तो हम लिख देंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, हमने इन थ्री फॉर्म्स में देखा है पानी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लिख देंगे यस, ठीक है, यस वी थिंक वाटर इज, यहाँ पर यू की जगह बस वी और कर लेना, ठीक है, और लिख देना यस वी थिंक, आगे ऐसे ही कंप्लीट कर देना क्वेश्चन को ही, एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, क्योंकि, क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि वाटर प्लेज मैनी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग फ्लशिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन। तो आप लिख देंगे कि पानी बहुत आवश्यक है, हाँ, क्योंकि ये बहुत से रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण, जैसे कि ये हमारा वेस्ट जो होता है बॉडी से उसे बाहर निकालता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व उन्हें शरीर तक पहुँचाता है, और ये पाचन के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो ये आंसर हम लिख देंगे। आगे देखते हैं एटमोसफेयर, वायुमंडल। द एटमोसफेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट द सन, ये सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर, इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, आओ कुछ करके सीखें। वी सी वेरियस इंसिडेंट्स इन एटमोसफेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, ट्विलाइट्स ऑफ स्टार्स एटसेट्रा। हम वायुमंडल में अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना हो गया, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। यहाँ पर हमसे बोला हुआ है मेक ए लिस्ट ऑफ सन इंसिडेंट्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफेयर, आपको एक लिस्ट बनानी है ऐसे ही घटनाओं की जो कि एटमोसफेयर में होती हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऐसे ही आप नंबर वन पॉइंट डालकर, तो नंबर वन डालकर ये लिख देंगे फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, नंबर टू फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, नंबर थ्री डाल देंगे आप ट्विलाइट ऑफ स्टार्स, नंबर फोर डाल देंगे रेनबो, ठीक है, रेनबो दिखाई देता है ना आपको, और नंबर फाइव डाल देंगे आप एल आई जी एच टी एन आई एन जी, लाइटनिंग फ्लैश, ठीक है, बिजली का चमकना, ये भी एक घटना है। और इसके जब उसकी बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की, तो आप ये वाली लाइन लिख देंगे यहाँ से इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ये हमारी सूरज की झुलसने वाली जो किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, ये हो गई इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये फोर फाइव पॉइंट्स लिखकर ये लिख देंगे, आपका हो गया कंप्लीट। लेट अस नो, अब जानते हैं द एयर इन अर्थ्स एटमोसफेयर, वायु जो होती है पृथ्वी के वायुमंडल में इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन।
जो वायु होती है वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, उसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। एयर ऑल्सो हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन एंड हाइड्रोजन एट्सेट्रा। वायु में कुछ और गैसें भी थोड़ी मात्रा में होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियोन हो गई, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, अब ये नीचे क्या दिया हुआ, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। जो पौधे होते हैं और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से आप क्या समझते हैं। तो आप ये पूरा लिख देंगे, ये जितना भी इस बॉक्स के अंदर है मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर वन यहाँ तक। टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। पौधे और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। या आप छोटा लिखना चाहें तो आप बस इतना भी लिख सकते हैं, इट इज से लेकर सपोर्ट लाइफ तक। ठीक है, पूरा लिख दीजिए, बस कोई इतना वो नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में पूछा हुआ है नेम द फाइव लेयर ऑफ एटमोसफेयर, वायुमंडल की पांच परतें बताइए। तो यहाँ पर हमें बताई हुई हैं पांच परतें। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, ट्रोपोस्फीयर शोभ मंडल को कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, मेजोस्फीयर हो गई मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर ताप मंडल और एक्सोस्फीयर बाह्य मंडल। तो आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।